सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी 3 से 4 आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को आतंकियों के गंधो इलाके के सिनु जंगल में होने के इनपुट मिले थे। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाए है। सर्च ऑपरेशन दौरान गिरे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर मुठभेड़ भी शुरू हो गई। तो अभी तक जो ताजा खबर आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि डोडा के अंदर एक आतंकवादी को फिलहाल मार गिराया है और अभी भी वहां पर 2 से 3 या 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं, ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि वहां पर हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल या फिर डोडा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैनात है और अभी भी वहां पर मुठभेड़ का की जो खबरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं कि वहां पर मुठभेड़ हो रही है और जो छिपे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने की कोशिश भी वहां पर लगातार जारी है। तो कुछ दिन पहले जम्मू के अंदर जो आतंकी हमले हुए थे उसके बाद लगातार जो जम्मू के अंदर एक कहीं ना कहीं आतंकियों को सर्च ऑपरेशन करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। वसीम गत्तू इस वक्त हमारे संवाददाता डोडा से हमें जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वसीम, अभी क्या ताजा जानकारी है बताइएगा, कितने आतंकियों को मार गिराया है और क्या आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है? बिल्कुल शिपल, देखिए आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से सुबह से हम अपडेट दे रहे हैं कि गुंडो इलाके में जिस तरह से एनकाउंटर चल रहा है, अभी तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन एक ही की दी है। अगर मकामी लोगों की हम बात करें जहां पे बताया जाता है कि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई है, जिस तरह से एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट किया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक ही शख्स को अभी तक मार गिराया है, मगर अगर हम इलाके के लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर पहुंच रही कि 3 लोगों को अभी तक मार गिराया है। मैं इस वक्त ठीक मेडिकल कॉलेज डोडा में हूँ, आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। अभी एक शख्स यानी कि पुलिस के शख्स को यहाँ पे पहुंचाया गया है जिसको गोली लगी है टांग में, खतरे से बाहर वो शख्स है। मगर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ से बारिश भी है, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसी वहां पे काम कर रही है और ये ट्रेस कर रही है क्या ये बाकी लोग भी यहाँ पे मौजूद है या जो मार गिरा है या इतने ही लोग वहां पे मौजूद है। देखना होगा कि एनकाउंटर कब तक वहां पर रहता है और कब तक सब लोगों को मार गिराया जाता है। जी वसीम, कुछ दिन पहले डोडा पुलिस ने वहां पर आतंकियों का स्केच जारी किया था जिसमें 4 आतंकी शामिल थे, क्या वही आतंकी हैं या कोई और आतंकी है, क्या ये स्पष्ट हो पाया है अभी तक? बिल्कुल शीतल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरह से आपने बताया कि वो जो स्केच जारी किए हैं, देखिए बताना मुश्किल होगा क्योंकि कुछ देर पहले हमने एसएसपी डोडा से रابطہ करने की कोशिश की मगर रابطہ नहीं हो पाया। जिस तरह से बार बार ये पूछा जा रहा है कि यह वही शख्स है क्योंकि लोगों में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन अब है, तो ये बताना मुश्किल होगा जब तक पुलिस इस पे पूरी बात नहीं रखती, अपना स्टेटमेंट नहीं देती है। सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी के जो सीनियर लीडर सीनियर जो साथी है वो जब तक नहीं बताएंगे तब तक बताना मुश्किल होगा। जी ठीक है, तो कब तक ये अभी तक जो सर्च ऑपरेशन है वो चलने के अनुमान है? क्या मौसम भी खराब है वसीम, वो भी एक बाधा बन रहा है? बिल्कुल, देखिए मौसम देखिए अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, बारिश काफी तेजी से पड़ रही है। अगर उस इलाके की हम बात करें तो सुबह से हम देख रहे हैं कि वहां पे बारिश पड़ रही है और साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एक तरफ से बारिश और दूसरी तरफ से इन लोगों को ढूंढने में किस तरह से वो कामयाब हो रही है। साथ साथ में जहां पे आपको मैंने पहले बताया कि जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर पहुंची है 3 लोगों को अभी तक मार गिरा है, ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि मैंने पहले आपको जहां पे बताया कि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है। और अगर हम बात करें जहां पे इनकाउंटर साइड है, जहां पे इनकाउंटर चल रहा है उससे पहले ही लोगों को रुका दिया गया, यानी कि 2 से 3-4 किलोमीटर पहले ही लोगों को रुका दिया गया जहां पे मीडिया भी खड़ी है और साथ साथ में लोगों से अपील की जा रही, जो नजदीकी लोग वहां के रहने वाले हैं उनसे भी थोड़ा बहुत जो बताया गया कि आवाजाही के लिए उन लोगों को फिलहाल रोका गया है। इनकाउंटर जो ही खत्म होता है तो ये पाबंदियां भी मुझे लगता है कि आस्ता आस्ता वहां पे खत्म देखने को मिलेगी। जी जी वसीम, जब तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलेगा, सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा, क्या उसके बाद भी कोई ना कोई क्लू निकलकर सामने आएगा? इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ आम लोगों को भी उठाया गया था, कुछ आम लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है, तो ऐसे में कितनी बड़ी सफलता है सेना के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, और आने वाले समय में और क्या कुछ सुराग हाथ लग सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सफलता बहुत बड़ी है। जिस तरह से आपने देखा था हाल ही में मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है एसएसपी डोडा का किया था, जिस तरह से उन्हें बताया था कि कुछ लोगों को हमने उठाया है, उनसे जानकारी ली जाती है और साथ साथ में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के लोग डोडा के अंदर काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, जिस तरह से एडीजीपी जम्मू इस पूरे मामले को खुद देख रहे हैं और यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है वहां पे वो खुद पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि चॉपर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ साथ में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और
जहां पे मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन एसएसपी डोडा से किया था, हमने ये भी पूछा था कि पहले एक टाइम में मिलिटेंटों को जो है कुछ लोग जो पना देते थे, उनका जो है खाना पीना उनको देते थे, आज की डेट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी लोग इन लोगों को पसंद नहीं कर रहे, और साथ साथ में पुलिस के साथ जुड़ के पुलिस को सारा बताते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी को बताते हैं कि किस लोकेशन में ये लोग हैं, किस तरह का काम करते हैं, यानी कि पब्लिक जनता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी मदद दे जी बहुत